हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड के निकटवर्ती बोरनड़ी बेरा समदड़ा में कुएं में मलबे में दबे युवक को निकालने के लिए आज रेस्क्यू के चौथे दिन भी आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सुपरविजन में युद्ध स्तर पर कुएं के चारों तरफ खुदाई का कार्य तेजी से बिना रुके दिन रात चल रहा है। आज मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रमान सिंह मारवड़, विधायक खुशवीर सिंह जोजावर मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू की जानकारी ली। मारवाड़ी विधायक खुशवीर सिंह ने चार दिन से रात दिन चल रहे रेस्क्यू में प्रशासन ने जो कार्य किया है उनका आभार व्यक्त किया। इधर सांसद बीपी चौधरी ने बयान पर मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह ने कहा कि प्रशासन समय पर पहुंचकर अपना काम शुरू किया है और किसी भी परिवार के लोगों से उपकरण मांगने की मांग नहीं की है। यह झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। इस रेस्क्यू में 1 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है। वहीं DYSP डॉक्टर कुमार जाखड़ ने बताया कि 4 दिन से रात और दिन रेस्क्यू सेना के नेतृत्व में जारी है। वहीं कुएं के चारों तरफ मिट्टी हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी 2 दिन रेस्क्यू में और लग सकते हैं। मौके पर सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी, बगड़ी नगर थाना अधिकारी बाबूलाल जांगीर, शिवपुरा थाना अधिकारी हजरी राम मारवड़, तहसीलदार रामलाल मीणा, विकास अधिकारी किशन सिंह भाटी, मारवड़ जंक्शन सहित RAC के जवान, STRF के जवान, पुलिस कर्मियों के जवान मौके पर मौजूद थे। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।